जैसे कि हमने कहा था कि हम मई टू अगस्त 2021 क्यू कार्ड्स एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, तो आज हम जो क्यू कार्ड एक्सप्लेन कर रहे हैं दैट इज, ये क्यू कार्ड कौन सा है? ये क्यू कार्ड है डिस्क्राइब एन आर्गुमेंट टू ऑफ योर फ्रेंड्स है, व्हेन इट हैपेंड, व्हाट वाज इट अबाउट, हाउ वाज इट सॉल्व्ड। सो अब इसमें आप क्या बोल सकते हैं कि आपके कौन से फ्रेंड्स में कोई आर्गुमेंट हुआ, किस रीजन से हुआ और कैसे आपने सॉल्व किया या वैसे ही कैसे सॉल्व हुआ। तो इसका हम आपको सैंपल आंसर बता रहे हैं, दैट इज आर्गुमेंट्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आर डे टू डे लाइफ एज ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, दे कैरी देयर ओन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स जनरल इश्यूज ऑफ सोसाइटी एंड दिस इज व्हाई आर्गुमेंट्स आर वेरी कॉमन। हम सबको पता है कि हम ह्यूमन हैं, तो हम सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, तो इसी वजह से हम सबकी अपनी थिंकिंग है, इसी वजह से हम लोगों का एक दूसरे के साथ आर्गुमेंट हो जाता है। इसमें ये नहीं कि कोई सही है या गलत, सबका विचार और सोच अलग है। नेक्स्ट हम इसमें क्या कह सकते हैं? अब इसमें आप कोई भी ऐसा आर्गुमेंट एक्सप्लेन करेंगे आगे, जो भी आप बताना चाहेंगे, कोई भी एक्सपीरियंस और सिचुएशन। Here I would like to talk about an argument that took place between my friends Robin and Sarah when we met after the lockdown. After staying at home for nearly 6 months, we decided to meet at my place. As we were meeting after a long time, we had a lot to tell each other. We talked about how we spent our time during the lockdown. I told them that I read a number of books and spent quality time with my family. तो इसमें उसने क्या बताया कि कैसे उन लोगों ने लॉकडाउन के बाद सारे फ्रेंड्स ने मिलने का प्लान किया, दैट मींस कब ये सिचुएशन हुई। नेक्स्ट हम बता सकते हैं कि कैसे आर्गुमेंट हुआ। रॉबिन हु हैज वेरी गुड जनरल नॉलेज टच द टॉपिक ऑफ न्यूज चैनल डिबेट, ही शेयर्ड विद अस दैट ही वॉच्ड न्यूज डिबेट्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ऑन विच सारा पॉइंटेड आउट दैट स्टैंडर्ड ऑफ न्यूज चैनल डिबेट्स इज डिक्लाइनिंग। Thereafter, they shared their viewpoints on the topic, but after 10 minutes, their discussion turned into an argument. Robin, who advocated the style of news debates, was of the view that the dialogues on news debates are neutral and considered all aspects of the issue. But Sarah said these debates are only pro-government and never question the establishment. Both of my friends tried to justify their views as Robin liked the content and the way the news debates are conducted. On the other side, Sarah opposed Robin's point of view. तो आपने देखा कि न्यूज चैनल को लेके दोनों की बहस हो गई क्योंकि दोनों के व्यू पॉइंट्स अलग थे। After listening to them for some time, I had to step in. I requested them not to argue on this topic as it is a choice of an individual whether to watch news channel or not. I said it is entirely on an individual what to take from these debates. Moreover, if a person does not like news channel debates, he or she can switch off the TV. There is no need to argue on it. At the last, they realized it is a matter of a person's liking and there is no need to argue on it. After accepting this fact, they shook hands with each other and changed the topic. तो आपने देखा कि न्यूज चैनल को लेके उनका आर्गुमेंट हुआ, तो जब इसने समझाया तो उन लोगों ने रियलाइज किया कि सबकी अपनी थिंकिंग है। तो गाइज, हमने आपको आइडिया दिया है कि आप किस तरह से इस टॉपिक पे बोल सकते हैं। कोई भी आप ले सकते हैं टॉपिक, ये तो न्यूज चैनल को लेके था, आप इस टाइम की किसी सिचुएशन को लेके, यू कैन से इकोनॉमी को लेके, या फिर एक स्मॉल सी कोई बात कि हमने डिनर के लिए कहाँ बाहर जाना है और कहाँ नहीं जाना, इसको लेके भी आर्गुमेंट हो सकता है। देयर कैन बी मैनी रीजन। आई होप इस वीडियो से आपको आइडिया हो गया कि आप क्या बोल सकते हैं इस टॉपिक पे। हम नेक्स्ट वीडियोज में बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।